यीशु पानी पे चलते। 5,000 लोग ना उनको जीवन खिलान के बाद यीशु ने अपने चेला ना उनसे डोंगा में जान के गुना कही, उन्हें उनको झील के दूसरे किना चले जान के गुना कही, जबकि हु थोड़े समय के गुना वहां ठहर गई। एके गुना चेला नाउन चले गई और यीशु ने गर्दी को विदा कर दी कि ही लोग अपने घर जाए। एके बाद यीशु प्रार्थना करण के गुना एक पहाड़ी पे चलो गई। वहां हु अकेलो होतीस और उन्हें बहुत देर रात तक प्रार्थना करी। हु समय चेला नाउन अपने डोंगा को चलाते हुए जात होती, पर हवा उनके विरोध दिशा से जोर से आत होती। बहुत रात हो जान पे भी वो सिर्फ झील के बीच में पहुंचे होती। वह समय यीशु ने प्रार्थना करनो बंद करी और अपने चेला नाउन के जवर वापस जानो शुरू करी। वो डोंगा के किना जान के गुना पानी के ऊपर चलन लगी। फिर चेला नाउन ने ओको देखीन ही बहुत डर गईन, काया कि हुन्ने सोचे होतीन कि हु कोई भूत आए। यीशु जानत होतीस कि ही डर गए होतीन। एके गुना वो ने हुनको हाका मार के कहिस, डरो मत, यो मैं चाम। तब पतरस ने यीशु से कहिस, हे प्रभु, अगर तू चाहस तो मोको पानी पे चल के तोरे जवर आन की आज्ञा दे। यीशु ने पतरस से कहिस, आ। एके गुना पतरस डोंगा से उतर गईस और यीशु के जवर जान के गुना पानी के ऊपर चलनो शुरू करीस। पर थोड़े दूर जाए के उन्हें अपनी आखी को यीशु के किना से घेर ली और लहर नाउन को देखनो और तेज हवा को महसूस करनो शुरू कर दे। तब पतरस डर गईस और पानी में डूबन लगी। हु चिल्लाईस, हे प्रभु, मोको बचा। यीशु ने वाच समय अपनो हाथ बढ़ाए के ओको पकड़ ली। तब उन्हें पतरस से कहिस, तोरो विश्वास बहुत कम है, तो को सही सलामत रखन के गुना तूने मोरे पे भरोसा काये नहीं करेस। ओके बाद यीशु और पतरस डोंगा पे चढ़ गई और तुरुत हवा को चलनो बंद भय गईस, पानी शांत भय गईस। चेला नाउन चकित होय के यीशु के सामुर डोंगरा टेक दे। हुन्ने ओ की आराधना करें और ओके से कहिन, सच में तू परमेश्वर को तुरास्त।